लोक साहित्य मंच लुधियाना की ओर से हाशिए पर जनतंत्र और मित्र सैन मीत का कथा संसार विषय पर संवाद रचाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री राम शरण जोशी ने की और की नोट विनोद शाही जी ने रखा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर विनोद शाही के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये अवसर मुझे उपलब्ध कराया। अवसर तो आमतौर पर मिलते रहते हैं, लेकिन ये अवसर कुछ खास है, इसलिए मैं उनका विशेष रूप से कृतज्ञ। खास इस नाते है कि अगर वो मुझे इस बात के लिए प्रेरित नहीं करते कि मैं इस आयोजन में आऊं, तो हो सकता है कि मैं मित्र सैन मीत जी का न तो ये उपन्यास पढ़ता और न उनसे मुलाकात कर पाता और न आज जो कुछ भी उस उपन्यास के बारे में सुनाया गया है उसको सुन पाता। मित्र सैन मीत जी के उपन्यास के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं श्रीमती मीत का भी की भी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि वे अपने पति की इस कृति इस पुस्तक के बारे में जो इतनी गंभीर चर्चा हो रही है उस गंभीर चर्चा को बहुत ही मन लगाकर सुन रही है। ये खास मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहुत कम लेखक इतने सौभाग्यशाली हैं को पढ़ा और पढ़कर तो मुझे वास्तव में ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है, वास्तव में जिसे कहते हैं कि एक तरह का एनलाइटनमेंट मेरे अंदर हुआ कि मैं बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो मैं नहीं जानता था या जिनके बारे में मेरी कुछ गलत धारणाएं थी और मैं उसको पढ़कर एकदम मुझे ऐसा लगा कि इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए, इसको लोगों को भी बताना चाहिए कि ऐसी भी चीजें लिखी जा रही हैं, चाहे वो हिंदी में सेकंड हैंड तरीके से आई हैं, शुरू में वो पंजाबी में आई फिर हिंदी में आई, लेकिन हिंदी में भी आई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। खास तौर पे मैं कुछ पुराने उपन्यासों को पढ़कर मैं हिंदी या पंजाबी के लेखकों के प्रति थोड़ा सा थोड़ी झुंझलाहट होती थी मुझे, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता था कि लोग एक एक विषय को लेकर इतनी गंभीर बातें और इतनी अंदर तक की बातें निकाल लाते हैं और हमारे यहाँ हिंदी और पंजाबी के लेखक जो हैं वो ऊपर ऊपर की सतही बात करके ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर देते हैं कि जहाँ इस तरीके से मूल्यों को विस्थापित किया जा रहा है और प्रतिस्पर्धा हर कीमत पर सफलता आगे बढ़ना गलाकाट प्रतियोगिता जहाँ इन मूल्यों को स्थापित किया जा रहा है और उन मूल्यों को हम लोग खासतौर पर जिसका सुबह चर्चा हो रही थी मिडिल क्लास के लोग वो उन मूल्यों की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, वो ये चाहते जा रहे हैं कि हमारे बेटे भी इस तरह के
इस तरह की जो सोसाइटी बन रही है उस सोसाइटी में फिटिंग हो और आगे बढ़े। तो ऐसे दौर में मैं ये मानता हूं कि अगर उन मूल्यों को बचाए रखने की कोशिश में अगर कोई लगा हुआ है तो वो साहित्यकार, वो लेखक ही। और उन लेखकों में से एक लेखक का नाम मैं मित्र सैन मीत के रूप में आपके सामने रखता हूं। वजह यह है कि वो अपनी इस किताब के जरिए साफ साफ ये दिखाते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को का शोषण करके आदमी आगे बढ़ना चाहता है और वो सारी दया माया सब चीजों को एक तरफ रखकर वो अपनी सफलता चाहता है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस उपन्यास का जो मित्र सैन मीत ने जो समेकित उपन्यास का जो नाम दिया है राम राज्य, मुझे लगता है कि ये उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर दिया है। तुलसीदास की एक चौपाई है कि राम राज्य दुख काहू न व्यापा, राम राज्य में किसी को दुख नहीं था, किसी को दुख व्याप्त नहीं होता था। मित्र सैन मीत के इस उपन्यास का जो राम राज्य है इसमें उस दुख की जगह सुख ने ले, यानी इस राम राज्य में किसी को सुख नहीं, सब दौड़ में लगे हुए हैं, सब पैसा वैभव सफलता शक्ति सत्ता इनको पाने में लगे हुए हैं और इनको पाने के बावजूद भी वो सुखी नहीं। दोस्तों, सबसे पहला उपन्यास का जो खंड है या जो उपन्यास का एक भाग है तफ्तीश, तफ्तीश में आप ये देखेंगे कि वहाँ एक अदना से अदना जो सिपाही है उस सिपाही से बात शुरू होती है जो पुलिस महकमे का एक प्रतिनिधि है और वहां से बात शुरू होते होते तरह तरह के विभिन्न पदों पर रहने वाले अधिकारियों तक होती हुई वो सत्ता के जो सबसे बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री तक जाते हैं और उनमें जो अलग अलग जो चरित्र आए हैं वो अलग अलग है, लेकिन वो अलग अलग चरित्र होते हुए भी सब मिलकर अपने वर्ग का एक चरित्र बनाते हैं। पुलिस वाले चाहे ऊपर के हों चाहे नीचे के हों, सबको जब सबके चरित्रों को जब हम एक करके एक कोलाज बनाते हैं तो उस कोलाज से जो चित्र हमारे सामने आता है वो पुलिस का चित्र आता है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री और दूसरे राजनेताओं के चरित्र को देखकर भी वहाँ भी हमको आधुनिक राजनीति या वर्तमान राजनीति का चेहरा सामने आता है। दोस्तों, मुझे कई बार ये भी लगता है कि सुबह भी ये बात उठी कि पुलिस का चेहरा बहुत ही घटिया, बहुत ही घिनौना, बहुत ही क्रूर, बदकार इस तरह का दिखाया गया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो पुलिस वाला जो है वो शोषक ही नहीं, वो इस व्यवस्था में शोषित भी, वो जितने पाप कर्म करता है पैसा इकट्ठा करने के लिए या ऊपर जाने के लिए या और किसी काम के लिए, तो वो सब अपने लिए नहीं करता,
उसको वो चीजें ऊपर तक पहुंचानी पड़ती हैं। अब वो अगर नहीं पहुंचाता है तो उस व्यवस्था में फिट हो ही नहीं पाता। तो जैसा वर्मा जी सुबह कह रहे थे, वास्तव में ये है कि पुलिस में आने से पहले, रंगरूट बनने से पहले वो व्यक्ति तो आप और हमारे जैसा ही था। उसको तो वहां जाने के बाद धीरे धीरे व्यवस्था ने उस तरीके से ढाल दिया कि अगर तुम ऐसा नहीं बनोगे, अगर तुम पैसा नहीं लोगे तो तुम ऊपर पैसा नहीं पहुंचाओगे, ऊपर पैसा नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारा यहाँ पर रहना या तुम्हारे आगे की उन्नति और जो बाकी जो कुछ भी हो सकते हैं वो सब समाप्त हो जाए। इसलिए अगर हाशिए पर बैठकर बैठना है या बिल्कुल नाकारा होकर बैठना है तो ठीक है, आप अपने आदर्श को रखिए, अन्यथा आपको इस तरीके से होना पड़ेगा। आगे चल के मुख्यमंत्री का जो चरित्र आता है, मुख्यमंत्री का चरित्र केवल वो पंजाब के ही मुख्यमंत्री होंगे जहां तक मैं समझता हूँ, वो पंजाब के ही मुख्यमंत्री नहीं, सारे मुख्यमंत्रियों का चरित्र ऐसा ही है। उनको इससे कोई परवाह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बंटी का अपहरण हो गया है। वो अपहरण रोज होते रहते हैं, बलात्कार भी होते रहते हैं और दुनिया भर के काम होते रहते हैं। उनको तो उससे थोड़ी चिंता या थोड़ी परेशानी इसलिए होती है कि वो उनके चुनाव क्षेत्र में हो रहा है और उनके चुनाव क्षेत्र में होने से जो जन आक्रोश थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है उससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए वो तुरंत वहां जाते हैं और तुरंत वहां जाकर वो आप देखिए कि आपको भी कभी कभी ये हंसी आती होगी जब आप अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई भी बाढ़ आई, कोई भी आग लगी, कोई भी दुर्घटना हुई, सबसे पहला काम मुख्यमंत्री का, ऊपर तक प्रधानमंत्री का भी काम यही है कि पहला काम जांच कमेटी बिठाई जाएगी, जांच करवाया जाएगा। दूसरा काम, अगर आप ये कह रहे हैं कि फला अफसर इन लोगों ने अगर ये गड़बड़ किया है, ठीक है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तीसरा काम मुआवजा बांटा जाएगा। ये तीन काम हर दुर्घटना में हर मुख्यमंत्री, हर ऊपर का प्रधानमंत्री तक ये काम करता है और इसी से ही लोग बाग फिर इसमें लग जाते हैं कि भाई जो पीड़ित लोग हैं वो इसमें लग जाते हैं कि भाई हमको मुआवजा मिला या नहीं, हमको ये हो, और बाकी लोग ये समझते हैं कि इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। मरने वाला तो मर गया, अब आप पैसा लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन इसमें जो पुत्र वधू का चरित्र है जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, मुझे वो चरित्र बहुत अच्छा लगा। वो इसलिए लगा कि वो पहला काम ये करती है कि जब लोग बाग उससे कहते हैं अरे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आपके घर आ रहे हैं और आपसे मिलेंगे, तो मीडिया वाले जैसे और मीडिया वाले कहते हैं आप जरा कपड़े वपड़े अच्छे करके पहन लीजिए, और ये जो उदास सा चेहरा बना रखा है रोनी सा, ये मीडिया में अच्छा नहीं आएगा, तो आप ठीक ठाक होइए। वो मना कर देती है कि मुझे दिखावा नहीं करना, मेरा बेटा जो घटना हुई है उसके सम्मान को आगे चलकर बढ़ा सकती है, ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण वो अपने उससे देती है। अपराधों का, विभिन्न प्रकार के अपराधों का जो ग्राफ वो ऊपर उठना, अपराध पहले भी होते थे लेकिन अब ये अपराध अलग अलग तरीके के अधिक मात्रा में होने लगे। कारण क्या है कि एक तो
बार बार ये कहा जाता है कि भाई औपनिवेशिक ये पुलिस थी, हमने इसको जो का जो हमने रख लिया और इसके चरित्र को नहीं बदला। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चरित्र कौन बदलता, पुलिस के चरित्र को किसको कौन बदलता? पुलिस के चरित्र को सरकारें बदलती, पार्लियामेंट बदलती। आम आदमी का तो न पहले पूछा जाता था न आज पूछा जाता है, वो क्यों बदल फायदे की चीज को क्यों बदलेंगे, उन्होंने नहीं बदला। और आज आप ये देख रहे हैं कि जितने लोग पुलिस के लोग वीआईपी को सुरक्षा देने में लगे हुए हैं, उनके मुकाबले में आम आदमी की सुरक्षा के लिए कितने। मैं ये मानता हूं कि एक ऐसा वीआईपी जिसको जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई है, अगर उसके सारे लवाजमे को उठाकर आप जनता के काम में लगा दें तो कम से कम 1000 आदमियों की सुरक्षा गारंटीड हो सकती है। लेकिन शुरू में ही बताया है आपके तफ्तीश में कि वहां सारे लोग चार चार मिनिस्टर आए हुए हैं उसकी सेवा में, वहां केवल दो सिपाही था। दो सिपाहियों के भरोसे सारा शहर है और बाकी के सारे लोग जितने भी 150 लोग हैं वो सारे के सारे मिनिस्टरों के। तो ये तो स्थिति है। इस वजह से होता क्या है कि अपराधों का बढ़ना स्वाभाविक है और उन अपराधों के बढ़ने में पुलिस ने ये मान लिया है कि हमें इन लोगों को खुश रखकर हम ठीक रह सकते हैं। अपराध तो होते रहते हैं और चार दिन बाद तो भूल भी जाते हैं और वो पीट के खत्म हो जाता है। तो पुलिस ने इसको दोहरा फायदा उठाने का इसको एक माध्यम बना दिया। वो अपराधियों से भी पैसा लेती है और उत्पीड़ितों से भी पैसा लेती है। आप देखिए कि चोरी एक गरीब के घर में चोरी हो जाएगी उसका कोई पता नहीं है, लेकिन एक हेमा मालिनी के घर में जैसे चोरी हुई उसका पता लग गया, पकड़ लिए गए। तो ये जो चरित्र है कि जिसमें आम आदमी, मैं अभी ये भी सोच रहा था जो सुबह अपने इस का विषय जो चुना गया था कि हाशिए पर जनतंत्र, मुझे ये लगा कि जनतंत्र की बजाय अगर हम इसको अभिजनतंत्र कहें तो हाशिए पर जन चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी नीतियां आज बन रही उन नीतियों में सब में जन को बल्कि हाशिए से भी निकाल लेने की कोशिश है। उस जन की जरूरत केवल इतनी रह गई वो उसको उपन्यासी तोड़ा और वो तोड़ते तोड़ते उस ढांचे को मित्र सैन मीत ने इतना ज्यादा तोड़ दिया है या इतने उस टॉपटे को इतनी अलग कर डिसइंटीग्रेट कर दिया है। न्याय और पुलिस की क्या हालत है ये तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जेल के बारे में मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि जो देश अपने आप को सबसे ज़्यादा सभ्य, सबसे ज़्यादा विकसित और सबसे ज़्यादा मानवाधिकारों का रक्षक घोषित करता है, दावा करता है, वो इराक के युद्धबंदियों के साथ वांटे नामों और अबू गरीब की जेलों में क्या करता है ये आप सब लोगों को पता है। इससे मुझे लगता है कि जेल हमारे यहाँ ही खराब नहीं है, जेलों का सारी दुनिया की जेलें जो हैं
और उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो एक ही कर सकते। इसीलिए आज कोई लोकल जैसी चीज नहीं रही है, लोकल आज ग्लोबल बन गया है। आप ये कहें कि ये यहीं की चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ है वो भारत के दूसरे राज्यों में भी है और भारत से बाहर के देशों में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बात को हर एक ने ही ये कहा है, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से कहना चाहूँगा कि इसका हिंदी में अनुवाद आना बहुत बड़ी बात है और इससे उनको उनके पाठकों और उनके प्रशंसकों की जो संख्या है वो हिंदी पट्टी में भी पहुंची है और ज़्यादा पहुँचेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी होना चाहिए। अंग्रेजी में जो भी भारतीय लेखक लिख रहे हैं और प्रशंसा पा रहे हैं, और प्रशंसा ही नहीं बल्कि तरह तरह के बुकर और नोबेल और दूसरे दूसरे प्राइज पा रहे हैं, मुझे लगता है, मैं बहुत ज़्यादा बल्कि मुझे तो बहुत ज़्यादा विश्वास है कि अगर ये अच्छे ढंग से अगर इसका अनुवाद अंग्रेजी में होता है तो निश्चित रूप से ये विश्व साहित्य की एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी कृति बन सकता है। इस बारे में हमको बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। ये नहीं मिले प्राइज नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि लोगों को ये पता लग सकता है कि इस तरह का लेखन भी हिंदुस्तान में हो रहा है। क्योंकि अरुंधति राय की किताब हो, विक्रम सेठ की किताब हो, दूसरी जो किताबें उनको आप पढ़िए और उसके मुकाबले में इसको पढ़िए, आप ये देख लेंगे कि हालांकि ये हो सकता है कि वो उनकी उनके एजेंडा को टूट करते हो इसलिए उनको मान्यता मिली हो, लेकिन उनके मुकाबले में ये किताब 19 नहीं बैठेगी, 20 ही बैठेगी।